हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि टाइटल और थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं अमेज़ॉन की तरफ से फिर से अमेज़ॉन फैब फोन फेस्ट शुरू हो गया है और इसमें आपको टॉप ऑफर्स देखने को मिलेंगी। मतलब कि मोबाइल पे आपको ज़्यादा ध्यान दिया गया है अमेज़ॉन की तरफ से। आपको इसमें OnePlus 60, iPhone 10 और सैमसंग गैलेक्सी S9 और Xiaomi, Vivo और भी बहुत सारी कंपनियों के फ़ोन पर आपको बहुत ही अच्छा खासा मैसिव डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक कुमार प्ले को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी लेटेस्ट टेक की न्यूज़ हर दिन पाने के लिए। और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन हर दिन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, अमेज़न इंडिया की तरफ से वेडनेसडे को अनाउंस किया गया कि उन लोगों का अपकमिंग स्मार्टफोन सेल आने वाला है, वो फैब फोन फेस्ट सेल। ये जो सेल है वो 3 दिन की सेल होने वाली है अमेज़न पे और ये अप्रैल 11, 2019 को स्टार्ट होगी अमेज़न पे और अप्रैल 13, 2019 तक अमेज़न पे चलेगी। और मैं बता दूं कि अमेज़न की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो भी आप डिस्काउंट देख रहे हैं उस पर भी आप और भी ज़्यादा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। अमेज़न इंडिया की तरफ से ऑफ़र किया गया एडिशनल 10% का डिस्काउंट फॉर HDFC बैंक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड होल्डर्स। मतलब कि जो भी लोग HDFC बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे उन लोगों को एडिशनल 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं कि अमेज़न की तरफ से आपको एक्सचेंज ऑफर्स भी दी जा रही हैं up to ₹10,000 तक, और मिनिमम EMI जो अमेज़न के इस सेल में शुरू हो रहा है वो ₹617 पर मंथ से शुरू हो रहा है। और अमेज़न प्राइम सब्सक्राइबर अवेल कर सकते हैं एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट अमेज़न प्राइम ऐप से। आगे हम बात कर लेते हैं। तो कुछ फ़ोन्स की डील्स मैंने निकाली है, वो आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे फ़ोन्स हैं वो, मतलब कंपनी की तरफ से बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट इस फैब फोन फेस्ट में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो मैं बताने वाला हूँ सबसे पहला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फ़ोन्स की डील्स मैंने चूज़ की हैं, आप देख लीजिए उसे ज़रूर से ज़रूर। और आपको बहुत ही अच्छे फ़ोन्स की डील मैंने चूज़ की है, बहुत ही अच्छी कंपनी ये फ़ोन है वो। तो चलिए बात कर लेते हैं उसके बारे में। सबसे पहला हमारा जो फ़ोन है वो है OnePlus 60। तो OnePlus 60 अभी लॉन्च हुआ है, ज़्यादा नहीं 6 या 7 महीना हुआ होगा, और बहुत ही अच्छा फ़ोन है। तो ये जो फ़ोन है वो आपको इस सेल के दौरान लोएस्ट प्राइस अवेयर मिलेगा। आगे हम बात कर लेते हैं। OnePlus 60 का जो 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है वो आपको इस सेल के दौरान 34,999 में मिल जाएगा, जबकि मार्केट में इसका ओरिजिनल प्राइस 37,999 है। मतलब सीधे 3,000 का डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। और जो OnePlus 60 का 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है और 8GB रैम और 256GB वाला इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है वो आपको इस सेल के दौरान इन दोनों ही वेरिएंट्स में भी फ्लैट 3,000 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मतलब आपको OnePlus 60 के तीनों वेरिएंट्स पे 3,000 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर खरीद सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। तो Xiaomi के 2-3 फोन्स में आपको इस सेल के दौरान डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो Xiaomi का MI A2 है वो आपको इस सेल के दौरान अवेलेबल करवा दिया जाएगा ₹11,999 में, अलॉन्ग विथ ₹2,000 ऑफ ऑन एक्सचेंज। मतलब कि जो भी फ़ोन एलिजिबल है इस फैब फोन फेस्ट सेल के एक्सचेंज में, आप देख सकते हैं कंपेयर करके साइट पे जाके कि आपको अपने पुराने फ़ोन का कितना मिलेगा। आगे हम बात कर लेते हैं। तो Redmi 6 Pro में भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा और इस सेल के दौरान आपको ये फ़ोन 7,999 में मिल जाएगा। Redmi 6 A की अगर हम बात करें तो उसमें आपको सिर्फ HDFC बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं या EMI के थ्रू आप पेमेंट करते हैं तो आपको ₹500 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, सिर्फ HDFC बैंक कस्टमर्स के लिए। Redmi Y2 में भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा और ये फ़ोन आपको इस सेल के दौरान 7,999 में मिल जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं। तो Huawei में आपको सिर्फ एक ही फ़ोन पे डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, वो है Huawei Y9 में। ये जो फ़ोन है वो आपको मिल जाएगा ₹14,990 में इस सेल के दौरान। और जो भी लोग नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो नो कॉस्ट EMI स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा ₹4,996 पर मंथ से। आगे हम बात कर लेते हैं। तो सैमसंग की फ़ोन्स में भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, मतलब कि लगभग आपको सारे कंपनी के फ़ोन में डिस्काउंट देखने को मिलेगा इस सेल में। तो हम बात कर लेते हैं, सैमसंग गैलेक्सी M20 में आपको कोई भी डिस्काउंट अवेलेबल नहीं रहेगा इस सेल के दौरान, लेकिन
ये जो फोन है वो आपको इस सेल में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब कि आपको ओरिजिनल प्राइस में मिलेगा जितना मार्केट में मिलता है। ऐसे इसका मार्केट में ओरिजिनल प्राइस 10,990 है और इसका जो नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन है वो स्टार्ट हो रहा है रुपीज 1,831 पर मंथ से। आगे हम बात कर लेते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी M10 आपको इस सेल के दौरान रुपीज 7,990 में मिल जाएगा और जो सैमसंग का ओल्डर फ्लैगशिप फोन है सैमसंग गैलेक्सी S9 वो आपको 49,990 में देखने को मिलेगा और एक्सचेंज ऑफर भी चल रही है सैमसंग गैलेक्सी S9 में अप टू रुपीज 9,000 की। अगर हम बात कर लें तो आपको Realme के कंपनी में भी एक ही फ़ोन में डिस्काउंट देखने को मिलेगा इस सेल के दौरान, वो है Realme U1। Realme U1 का ओरिजिनल प्राइस मार्केट में 12,999 है जबकि आपको इस सेल के दौरान ये फ़ोन 8,999 में मिल जाएगा और Amazon इंडिया ऑफर कर रहा है इसमें एडिशनल रुपीज 1,000 का डिस्काउंट ऑन ऑल बैंक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इंक्लूडिंग नो कॉस्ट EMI ऑप्शन ऑफ रुपीज 1,500 पर मंथ। मतलब कि आप कोई भी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो Amazon इंडिया आपको और 1,000 का डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा इस फ़ोन पे। और अगर आप नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन चूज़ करते हैं जो कि स्टार्ट हो रहा है इस फ़ोन के लिए रुपीज़ 1,500 पर मंथ से, तब भी आपको रुपीज़ 1,000 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आगे अगर हम बात करें तो एप्पल में भी आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, वो है एप्पल आईफोन 10 में। जो भी लोग एप्पल आईफोन 10 खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, वो आपको इस सेल के दौरान 73,999 में मिल जाएगा जबकि मार्केट में इसका ओरिजिनल प्राइस 91,990 है और इस फ़ोन का नो कॉस्ट EMI स्टार्ट हो रहा है रुपीज़ 8,222 पर मंथ से। आगे अगर हम बात करें तो ओप्पो के भी फ़ोन्स में आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ओप्पो F11 Pro में आपको बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा और ये फ़ोन आपको इस सेल के दौरान रुपीज़ 24,990 में मिल जाएगा और इसका जो नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है रुपीज़ 2,083 से और इसमें आपको एक्सचेंज ऑफर ऑफ रुपीज़ 2,500 का चल रहा है और ओप्पो F9 Pro का जो प्राइस है वो ड्रॉप कर दिया गया है 25,990 से 17,990 पे। मतलब कि जो फ़ोन आपको 26,000 में मिल रहा था वो अब आप 18,000 में ही ले सकते हैं सेल के दौरान और इसका जो नो कॉस्ट EMI स्टार्ट हो रहा है ओप्पो F11 Pro का वो स्टार्ट हो रहा है रुपीज़ 2,221 और ओप्पो F9 Pro में भी आपको एक्सचेंज ऑफर देखने को मिलेगा अप टू रुपीज़ 2,500 का। आगे और लास्ट जो कंपनी है हमारी जिसमें कि आपको इस फ़ोन सेल में डिस्काउंट देखने को मिलेगा वो है Vivo। Vivo में भी आपको दो तीन फोन्स में डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा इस सेल के दौरान। तो Vivo V15 Pro की अगर हम बात करें तो वो फ़ोन आपको इस सेल के दौरान 28,990 में अवेलेबल करवा दिया जाएगा और इसका जो नो कॉस्ट EMI स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है रुपीज़ 2,416 पर मंथ और इसमें आपको अप टू रुपीज़ 3,000 का एक्स्ट्रा ऑफ ऑन एक्सचेंज देखने को मिलेगा। आगे अगर हम बात कर ले तो Vivo का Y83 Pro प्राइस किया गया है एट रुपीज़ 10,990 और इसमें आप अवेल कर सकते हैं रुपीज़ 1,000 का Amazon पे कैशबैक ऑन प्रीपेड ऑर्डर्स। मतलब कि आप पहले पेमेंट करिए तब आपको प्रोडक्ट आएगा आपके घर पे डिलीवर होने। Amazon Fab Phones Fest तो ज़रूर से ज़रूर अप्रैल 11 से लेके अप्रैल 13 तक विज़िट करिए और जो भी फ़ोन आपको पसंद आता है और लोएस्ट प्राइस वेयर में आपको मिल जाता है तो आप ख़रीद लीजिए, इससे बेहतर मौका आपको और कभी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में से इतना ही, तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।